हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू मैथ्स क्लासेस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पिछली क्लास में हमने की थी फैक्टोरियल बेस्ड 7.2 एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। परम्यूटेशंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। परम्यूटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट होता है, जिसके नंबर्स को हमें कितने तरीके से हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ऐसा लिख सकते हो अरेंजमेंट इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर, कि हमारे पास एक ऑर्डर गिवन होगा, इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग सम और ऑल नंबर्स एट ए टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास गिवन हो एन यू एम बी ई आर, ये आपके पास एक वर्ड गिवन है। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, सिक्स लेटर्स का एक वर्ड आपके पास। इनको यूज़ करके आपको थ्री थ्री लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। इन सिक्स लेटर्स का यूज़ करके आपको तीन तीन लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो आप कितने बना सकते हो, ये अरेंज करना ही परम्यूटेशन होता है। ठीक है, या तो हम यहाँ पे तीन के बना दें या फिर हम दो दो के बनाएं। ओके, कितने भी उठा सकते हो, टेकिंग सम या फिर सारे भी ले सकते हो, कि हम कंप्लीट नंबर्स का यूज़ करके कितने वर्ड बना सकते हैं, ये भी बना सकते हो आप। तो टोटल नंबर जैसे आपके पास छः हैं, तो यहाँ पर आप छः बॉक्स लगाओगे। ठीक है, जैसे हमें अगर थ्री लेटर का वर्ड बनाना है तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट के पास सिक्स स्पेस, और ये होता है विदाउट, अगर आप कर रहे हो विद और विदाउट रिपीटेशन दोनों चलेगा। विदाउट रिपीटेशन अगर आप निकाल रहे हो, देन क्या आएगा, एक वर्ड अगर आपने एक लेटर यहाँ पे यूज़ कर लिया तो उसको आप आगे यूज़ नहीं करोगे, ये होता है विदाउट रिपीटेशन। देन एक लेटर यहाँ यूज़ होगा, छः में से एक यहाँ यूज़ कर लिया हमने, बचे यहाँ पे सेकंड के लिए फाइव, तो पांच लेटर में से आप यहाँ पे कोई भी फिल कर सकते हो। देन थर्ड इज़ फोर, दो लेटर यहाँ पे यूज़ हो चुके छः में से, तो इसके लिए बचे आपके पास चार वेज। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या आ जाएगा, 6 × 5 × 4, ये आ जाएगा, जो आपके पास थ्री थ्री वर्ड के लेटर बनाने हैं। अगर मान लो टू वर्ड का लेटर बनाना है, इन्हीं में से दो लेटर उठाने हैं और वो आपके पास दो लेटर का एक वर्ड, कितने वर्ड आप बना सकते हो दो दो लेटर के, तो इसके पास सिक्स वेज, यहाँ पे आप छः लेटर्स में से कोई भी फिल कर सकते हो। एक लेटर हमने यहाँ फिक्स कर दिया, विदाउट रिपीटेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फाइव वेज। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परम्यूटेशन 6 × 5 = 30। ठीक है, अगर हमें बोला गया हो कि छः लेटर्स का यूज़ करके आप कितने नंबर बना सकते हो, छः लेटर का यूज़ करेंगे तो छः लेटर का ही वर्ड बनाएंगे, तो कितने वर्ड बन सकते हैं, इसके पास आ गया आपके पास सिक्स वेज, एक यहाँ फिक्स, आगे वाले के पास रहेंगे फाइव, फोर्थ के पास रहेंगे चार, में चार नंबर में से कोई भी, क्योंकि तीन यहाँ पे फिक्स हो गए, तो फोर्थ प्लेस पे क्या आ जाएगा, थ्री वेज, सेकेंड पे टू, फर्स्ट पे वन, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन विदाउट रिपीटेशन एंड व्हेन आपके पास गिवन हो सिक्स लेटर। ठीक है, जितने भी आप वर्ड बनाना चाहो बना सकते हो। अगर इसी को विद रिपीटेशन बोला जाए, देन आप क्या कैसे बनाते हो, विद रिपीटेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट के पास आपके पास छः वेज, छः लेटर हैं, कोई भी फिल कर सकते हो। अगर हमें विद रिपीटेशन बोला गया है, तो जो लेटर हमने मान लिया यहाँ पे, हमने एन फिल कर दिया, तो एन आप आगे भी फिल कर सकते हो, क्योंकि इसने बोला है कि विद रिपीटेशन इन लेटर्स को आप रिपीट कर सकते हो। तो सेकंड के पास भी क्या बना, सिक्स वेज,
इसके पास भी क्या बना सिक्स, तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स ये आ जाता है टोटल व्हेन आपके पास दे रखा हो विद रिपीटेशन थ्री लेटर के आप इतने वर्ड बना सकते हो। ठीक है, अगर टू लेटर में विद रिपीटेशन दे रखा हो देन इसके पास सिक्स वेज, इसके पास भी सिक्स वेज, 36 आ जाते हैं अगर विद रिपीटेशन दे रखा है। सेम टू सेम यहाँ पे सिक्स, इसके पास भी छः, छः देन ये आपके पास प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स के पावर सिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास है परम्यूटेशन की डेफिनेशन। अब परम्यूटेशन पे कुछ थ्योरम्स गिवन है। थ्योरम फर्स्ट आपके पास गिवन है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, जहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू गिवन है जीरो और एन के बीच में। ठीक है, यानी जीरो से ग्रेटर एन से लेस देन इक्वल भी हो सकता है। एंड रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड गिवन बाय ऑफ दिस। आपके पास बोला गया है कि एन आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर नंबर इकट्ठे उठाने हैं। जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल हमारे पास था, हमारे पास थे एन यू एम बी ई आर, बी ई आर हमारे पास टोटल छः लेटर थे और इनमें से हमने तीन लेटर उठा के कितने वर्ड बनाने हैं हमें वो देखना था। तो यहाँ पे हमारे पास n, जैसे मान लिया कि छः नंबर दे रखा है और r हो गया थ्री, तो n ऑब्जेक्ट्स में से आपको r नंबर एक बार में उठा लेने हैं, यानी r के नंबर्स को निकाल के परम्यूटेशन निकालनी है, जहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब आर की वैल्यू कम से कम एक होनी चाहिए, यानी एन में से एक नंबर तो उठाना ही उठाना है और आर की वैल्यू एन के इक्वल भी हो सकती है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कहता है कि इसकी परम्यूटेशन जो निकलेगी अब वो निकलेगी एन पी आर। जैसे अभी हमने इसका डायरेक्ट कर लिया था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से, अब इसी परम्यूटेशन को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो एन पी आर फॉर्मूले से। चलिए देखिए, पहले समझिए कैसे लेना है। आपके पास गिवन है एन नंबर, ठीक है, और हमें जो परम्यूटेशन निकालनी है वो आर नंबर एक टाइम में उठाने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स ले लेते हैं आर अप टू सोन, दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सोन, सारे के सारे जो वो आर वैकेंट प्लेस ले लिए हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आर प्लेसेस है, वैकेंट प्लेसेस। अब हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला आपके पास प्लेस है, टोटल है आपके पास एन नंबर, एन नंबर यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स या नंबर कुछ भी बोल लो, एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर हम फर्स्ट प्लेस को फिल करते हैं तो इसके पास भेज आते हैं एन, यानी इनमें से आप कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, सेकंड हमें बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब एन में से एक नंबर तो यहाँ फिक्स हो गया। सेकेंड प्लेस के लिए कितने वेज बचेंगे, एन में से एक माइनस कर देंगे क्योंकि एक हमारे पास यहाँ फिक्स हो जाता है, तो एन माइनस वन वेज हो गया सेकेंड प्लेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट के लिए एन हो गया, सेकेंड के लिए एन माइनस वन, थर्ड प्लेस के लिए दो नंबर फिक्स हो गए हमारे तो एन में से दो नंबर निकाल देंगे, इसके लिए बच गया एन माइनस टू वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट प्लेस पे एन वेज, सेकेंड प्लेस पे एन माइनस वन, यानी कि हम प्लेस तो सेकेंड ले रहे हैं बट एन में से एक माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस थर्ड ले रहे हो, प्लेस यहाँ पे थर्ड है बट एन में से हमारा दो माइनस हो रहा है, यानी तीन से एक कम माइनस हो रहा है। ऐसे हम चलते जाएंगे तो हमारा जो आरथ प्लेस है इसके कितने वेज हो जाएंगे, एन में से हम माइनस कर देंगे इससे पहले वाले कितने आए हैं आर माइनस वन, क्योंकि आरथ प्लेस को फिल करते हो तो आर माइनस वन नंबर यहाँ पे आप इनको फिल कर चुके हो, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए हम इनको यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए एन में से हम क्या माइनस कर देंगे, इससे पहले के नंबर आर माइनस वन, एन में से हमने माइनस कर दिया आर माइनस वन। फर्स्ट के लिए एन वेज, सेकेंड के लिए एन में से एक माइनस कर देंगे क्योंकि एक हमने यहाँ पे फिल कर दिया, थर्ड प्लेस के लिए हम दो प्लेस ले चुके हैं पहले ही फिल कर चुके हैं तो इसके लिए हमारे पास एन में से दो नंबर माइनस करेंगे एन माइनस टू रह गया। सेम टू सेम आरथ के लिए करेंगे तो एन में से आर माइनस वन हम माइनस कर देंगे। इसको ओपन करते हो ब्रैकेट को, एन माइनस आर प्लस वन, दोनों चीज़ सेम है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नंबर आएगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है कि आपके पास फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए द नंबर ऑफ वेज फॉर फिलिंग फर्स्ट प्लेस
फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने नंबर हैं? एन वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फॉर फीलिंग. सेकंड प्लेस के लिए कितने नंबर हैं? एन माइनस वन. इसी तरह से थर्ड के लिए दिखाओगे. इसी तरह से हम आरथ प्लेस के लिए लेके चलेंगे. आरथ प्लेस के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? एन माइनस आर माइनस वन. और प्रिंसिपल जो आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो क्या कहता है कि अगर आपके पास इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और इस लेके चलते तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू. हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन एन माइनस आर माइनस वन. हमने सबकी मल्टीप्लाई कर. ठीक है, अभी हमें इसको देखिए, अब ये यही आ गया, यही प्रूव करना था हमें कि अगर n में से अगर आप r नंबर एक टाइम उठाते हो तो आपके पास जो परमोटेशन होगी वो आएगी n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू सोन एन माइनस आर प्लस वन. इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, n माइनस आर प्लस वन. ये प्रूव हो गया. इसको नाम दिया गया है एन पी आर. ठीक है, एन पी आर, एन में से आर नंबर उठाने आपको. ओके, अब इसको जो आपको ये प्रूव करना है कि एन पी आर की वैल्यू आप ये फैक्टोरियल में ये लिख सकते हो. अब देखो फैक्टोरियल में कैसे करना है, ये देखिए. हमारे पास एन पी आर की वैल्यू आई है, एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सॉन एन माइनस आर माइनस वन. ठीक है, अभी हमें इसको फैक्टोरियल में प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है. इसको कैसे प्रूव करोगे? n के यहाँ पे जो नंबर है आपके पास, n स्टार्टिंग में, फिर n में से एक माइनस कर रहे हो, फिर दो माइनस कर रहे हो, अप टू सोन चलते जाएंगे, यानी कि n में से कॉन्टिन्यूसली एक एक माइनस हो रहा है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप 10 फैक्टोरियल ओपन करते हो तो 10 अकेला हम 10 लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक माइनस करते जाएंगे. 10 के बाद हम 9 लेते हैं, फिर 9 के बाद 8 इंटू 7, फिर एक कम, फिर एक कम, मल्टीप्लाई 4, 3, 2 एंड कहाँ तक जाना है? 1 तक. क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. 10 फैक्टोरियल तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल होता है. सेम टू सेम इस चीज़ को हमें फैक्टोरियल में चेंज करना है. तो यहाँ से अगर आपके पास मान लो 10 फैक्टोरियल हमारे पास दे रखा है और ये नंबर स्किप कर दिए जाए, अगर मान लो ये नंबर नहीं है अपने पास, ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ये गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आपके पास ये कलेक्शन गिवन है और मुझे इसको 10 फैक्टोरियल बनाना है तो मैं ये करती हूँ कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसी नंबर से मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सेम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो अब ऊपर से देखोगे तो 1 से लेकर कंटिन्यू नंबर चले आ रहे हैं 10 तक, ये तो बन जाएगा 10 फैक्टोरियल. और अपॉन में 1 से लेकर 6 तक आ रहे हैं, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल. सेम टू सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, देखिए n से स्टार्ट किया हमने, n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर माइनस वन, यानी आपके पास जो ये r नंबर दे रखे हैं, अगर मैं इसके बाद n में से r माइनस वन कम हो रहा है, इसके बाद r माइनस वन के बाद क्या नंबर आता है? r आता है. ठीक है, एन में से पहले एक घटाया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर आर माइनस वन माइनस किया. देखो ये नंबर बढ़ रहे हैं, पहले वन माइनस था, फिर टू, फिर आर माइनस वन से बड़ा आर हो गया, और इससे बड़ा क्या आ जाएगा? आर माइनस एन माइनस आर प्लस वन, आर से बड़ा आर प्लस वन. ठीक है, अब टू सोन हमें कहाँ तक जाना है? वन तक इसकी प्रोडक्ट लेनी है. अब टू सोन चलते जाएंगे लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1. हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और सेम नंबर को आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, एन माइनस आर एन माइनस आर प्लस वन अप टू सॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो हम n से शुरू होते हैं, एक 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 माइनस करके लास्ट में 1 तक चला जाता है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई होगी. इसको हमने लिख दिया
n फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म को वन से शुरू होकर एन तक कंटिन्यू नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन एन फैक्टोरियल हो जाता है, और एन माइनस आर प्लस वन अप टू सॉन दिस। अब देखो यहाँ पे वन से लेकर एन माइनस आर नंबर्स की कंटिन्यूशन में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका डायरेक्ट एन पी आर, इसको आपको याद रखना है। और इसको यूज़ कहाँ पे करना है, जहाँ पे परमुटेशन निकालनी हो उन ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास था, अभी हमने एग्जांपल किया था नंबर का, नंबर का एग्जांपल किया था, मान लिया कि हमें दो दो लेटर के वर्ड बनाने हैं, दो दो लेटर के वर्ड बनाओगे तो कितने बनेंगे ये बताना है। तो एन की वैल्यू होगी यहाँ पे टोटल नंबर 6, R की वैल्यू हो जाएगी आपने कितने उठाए, दो दो नंबर का वर्ड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अब एन पी आर फॉर्मूला से, यानी कि 6P2 से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ओपन कैसे करोगे, 6P2 को इसको ओपन करना है इस तरह से, n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ओपन करके, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल 30, वही आंसर आ जाएगा जो हमने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से फाइंड आउट किया था, सेम टू सेम वही आंसर आएगा। ये कब यूज़ करते हो ये ध्यान आपको रखना है कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जिनमें से आप R नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल n भी हो सकती है। यानी कि आप यहाँ से अगर ये कहो कि 6 के 6 नंबर्स का यूज़ करके हमें 6 लेटर का ही वर्ड कितने बना सकते हो इनको आगे पीछे करके, तो ये 6P6 आ जाएगा। सेकंड थ्योरम गिवन आपके पास, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज PNN, वही होता है ये NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि n ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को आपको कम्प्लीटली n नंबर से ही फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे जो रिपीटेशन दे रखी है हाँ जी, रिपीटेशन वही चल रही है, विदाउट रिपीटेशन करना है आपको। तो फर्स्ट प्लेस के लिए n वेज n नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट प्लेस पे आप n नंबर में से कोई भी फिल कर सकते हो, विदाउट रिपीटेशन है तो क्या आएगा आपके पास, एक नंबर यहाँ पे फिल हो गया, सेकंड प्लेस के लिए बच गया n माइनस वन, थर्ड प्लेस के लिए n माइनस टू, अब तो सॉन चलते जाएंगे। ये आपके पास टोटल दे रखे हैं n वैकेंट प्लेस, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये n नंबर है, पिछले जो आपने थ्योरम गई थी उसमें हमने r नंबर उठाए थे, ठीक है। यहाँ से चलते जाएंगे अप टू सॉन, लास्ट में जो जाएगा आपके पास यहाँ से कितने बचेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लास्ट प्लेस आ जाता है, लास्ट आएगा तो n नंबर फिल करने हैं, तो n माइनस वन नंबर आप पहले ही यूज़ कर चुके हो, तो n में से n माइनस वन माइनस करते हो, n माइनस n प्लस वन, n से n माइनस होकर यहाँ पे वन बच जाएगा, समझ गए। अगर आप इसे पहले वाला प्लेस लेते हो, ये वाला प्लेस लेते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपके पास लास्ट सेकंड प्लेस हो गया, लास्ट सेकंड प्लेस के लिए क्या बनेगा, थर्ड के लिए n माइनस टू हो रहा है, अप टू सोन ये अगर nth प्लेस है, ये बना n माइनस वनth प्लेस, ठीक है। तो अगर हम थर्ड प्लेस के लिए निकाल रहे हैं, ये थर्ड प्लेस आपके पास, थर्ड प्लेस के निकाल रहे हो तो n में से माइनस कर रहे हो टू। अगर मुझे n माइनस वनth प्लेस के लिए चाहिए तो n में से माइनस करूँगी इससे एक पहले वाला, थर्ड प्लेस के लिए निकाला तो टू माइनस कर रहे हैं, n माइनस वनth के लिए निकालोगे तो n माइनस टू हो जाएगा, समझ गए। तो इसको ओपन करेंगे तो n माइनस n प्लस टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा दो, इसके दो वे हो जाएंगे, टू वे हो जाएंगे। अगर हम nth प्लेस के लिए देखेंगे तो n में से हम n माइनस वन माइनस कर देंगे, उसके लिए आपके पास आ जाएगा वन प्लेस, ठीक है। तो आपके पास प्रिंसिपल से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल n इंटू सबकी आपके पास मल्टीप्लाई होती है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू सॉन
टू इंटू वन, लास्ट में हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वन से लेकर एन तक सबकी मल्टीप्लाई चल रही है, ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपको लिखना वैसे ही है कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, या फिर सीधा लिख दो एन इन एन वेज, क्योंकि आपके पास एन नंबर ही गिवन है, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो एन डिफरेंट वेज में आप इसको फिल कर सकते हो। सेम टू सेम आप सेकंड प्लेस का बता सकते हैं, सेकंड प्लेस का एन माइनस वन वेज, थर्ड अप टू सोन एनथ प्लेस तक जाओगे, एनथ प्लेस आप फिल्ड कर सकते हो वन तरीके से, एक तरीके से, यानी एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा लास्ट में जो आप एनथ प्लेस पे आप फिल कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल अब अगर अप्लाई करते हैं तो सबके मल्टीप्लाई और ये होता है एन फैक्टोरियल। यही चीज़ आपको बतानी थी। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था वो हमारे पास एन पी आर आया था, ठीक है, एन पी आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो पी एन आर, ये सेम आपके पास नोटेशन है, सिर्फ नोटेशन चेंज कर रखा है। और इसको हमें कैसे ओपन करना था, एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हम सेम चीज़ यहाँ पे ये इसी थ्योरम पे अप्लाई करते हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और आर की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन ही है, टेकन ऑल एट ए टाइम, वहाँ पे था टेकन आर एट ए टाइम, वहाँ पे हमने आर ऑब्जेक्ट्स को उठाया था, यहाँ पे ऑल बोल रहा है तो हमें एन में से एन नंबर ही उठाने हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्या बन जाएगा, एन पी एन, ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, एन फैक्टोरियल और आर की जगह पे हमारे पास एन है, आर की वैल्यू रख देंगे एन, दिस एन में से एन माइनस करेंगे ये आता है जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो ये बच जाएगा एन फैक्टोरियल। तो ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लो, या इस तरह से अगर थ्योरम आती है तो आपको ऐसे प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या दे रखा था, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, वो आपके पास परम्यूटेशन बनेगी एन रेज टू पावर आर, ही आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास वही चलेगा, अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है, सिर्फ चेंज इतना है कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, आर वैकेंट प्लेस है आपके पास, टोटल नंबर ये है आर वैकेंट प्लेसेस, फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ वेज चूज कीजिए, टोटल आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे आप एन वेज से एन तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक यहाँ पे हमने फिल कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि सेकेंड प्लेस के लिए एन माइनस वन रह गए, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, इस नंबर का यूज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप टू सॉन कहीं भी कर सकते हो, तो रिपीटेशन अलाउड है, तो इसके पास भी क्या बना एन वेज, थर्ड नंबर के पास भी एन वेज, अप टू सॉन इस जो आपके पास आरथ प्लेस है, ये आरथ, इसके पास भी एन वेज है। अगर हम प्रिंसिपल लगा अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो क्या आता है एन इंटू टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू एन इंटू एन अप टू सॉन एन, सब सारे एन्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए कितने टाइम हैं, ये सारे एन हैं आर टाइम, ठीक है, तो आर टाइम अगर आपके पास दे रखा है, जैसे आपके पास होता है एन इंटू एन, क्या लिखते हो एन स्क्वायर, अगर तीन बार एन की मल्टीप्लाई करते हैं एन इंटू एन एन क्यूब हो जाता है। अगर आप आर टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, एन रेज टू पावर आर हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे फॉर्मूला या ये ध्यान रखना है कि एन रेज टू पावर आर कब करना है, जब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आप आर नंबर एक टाइम में उठा के परम्यूटेशन निकाल रहे हो, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो वहाँ पे बनेगा एन रेज टू पावर आर, ठीक है। अगर आपके पास दे रखा हो कि मान लिया, जैसे हमारे पास दे रखा है एनी लेटर उठा लिए, ए बी सी डी ई सी बी, ये लेटर उठा लिया, ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि इसकी परम्यूटेशन निकालिए, परम्यूटेशन निकालेंगे तो जो इसमें हम ये देखेंगे रिपीट जो लेटर हो रहे हैं उनको चेक करेंगे, हमारे पास ये रिपीट हो रहे हैं। अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और उसमें से पी रिपीट हो जाते हैं, पी लेटर रिपीट हो जाते हैं, रिपीटेशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज करके आपको तीन डिजिट के नंबर बताने हैं कि आप इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
टोटल नंबर कितने हैं n, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 9, ठीक है, टोटल नंबर 9 है आपके पास 1 से लेकर 9 तक, तो n की वैल्यू होगी 9। यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, फर्स्ट थ्योरम, जहाँ पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे थे, सारे के सारे डिफरेंट नंबर हैं आपके पास, ठीक है, और इनमें से आपको क्या उठाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकिंग 3 डिजिट, टेकिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 9 नंबर्स इज इक्वल टू 9P3। क्या होता था हमारे पास, NPR, n की वैल्यू यहाँ पे 9, जो टोटल नंबर आपके पास गिवन है, जो जितने भी नंबर के उठा के, जैसे हमने यहाँ पे 3 नंबर टेक कर रखे हैं, 3 नंबर के आपके डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको हमने ओपन कैसे किया था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7, हम 6 तक ओपन कर लेंगे, इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट, अब देखिए इसको कैसे करना है, 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, ठीक है, नंबर्स का यूज़ करना है, नंबर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, अगर आप 10 लेते हो तो 1 और 0 दोनों का यूज़ हो जाएगा, जो आपको लेना नहीं है, तो आपको इन डिजिट्स का यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 से लेकर 9 एंड 1 0 10, तो n की वैल्यू होगी 10, 4 डिजिट का बना रहे हैं, r की वैल्यू होगी 4। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा निकाल देंगे 10P4 निकाल दें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ गई, देखिए यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते, हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यूज़ तो इन्हीं डिजिट्स का करना है, 0, 2, 5, 6, 4 डिजिट हो गए, चारों डिजिट्स में से 0 का भी यूज़ किया हमने, बट अगर 0 को हम जो लेफ्ट मोस्ट पे अगर आप यहाँ प्लेस कर देते हो, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो बचेगा 3 डिजिट का, इसलिए ऐसे नंबर जो आपके पास 1000 प्लेस पे आ रहा है, वहाँ पे आपको 0 लेना ही नहीं है। अब देखिए कैसे करना है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 हम प्लेस ले लेते हैं, वैकेंट प्लेसेस, यहाँ पे जो आप फिल करोगे, हमें ये पता है कि टोटल 10 डिजिट्स में से हम 0 यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया, 1000 प्लेस पे 0 फिल कर देंगे, तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ओके, इसलिए हम यहाँ पे 0 प्लेस नहीं कर सकते, तो 0 को निकाल देंगे, नंबर कितने बचे, 9, तो इस प्लेस पे 1000 प्लेस पे आप केवल 9 नंबर प्लेस कर, 9 नंबर में से कोई भी ले सकते हो, इसके लिए बन गया 9 बेस, ठीक है, 1000 प्लेस के लिए। अब इस पे आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है, रिपीट नहीं करना, तो एक नंबर तो यहाँ फिल हो गया, 10 में से एक नंबर हमने यहाँ निकाल दिया, बाकी लेफ्ट आपके पास 9 डिजिट, 9 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट फिल करने हैं, जहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, सारे डिफरेंट डिफरेंट भी हैं, तो इन तीनों के लिए आप ले सकते हो 9P3, 9 डिजिट्स में से 3 प्लेस फिल करने हैं, तो इनके लिए आप हो जाए, आपके पास हो जाएगा 9P3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू 9 इंटू 10, यानी 9 इंटू, इसको ओपन करेंगे तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 6 फैक्टोरियल, तो ये वही आ जाएगा 9 इंटू, यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड में 6, और इसको हम कैंसिल कर देंगे, दिस इज़ योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको बताना है कि थ्री डिजिट इवन नंबर कितने बना सकते हो इन डिजिट्स का यूज़ करके। डिजिट्स आपके पास गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। नंबर कैसा बनाना है, इवन नंबर होना चाहिए एंड थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए। चलिए देखें, अगर हमें इवन नंबर चाहिए थ्री डिजिट का बना रहे हो एंड हमारे पास इवन नंबर बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर द नंबर इज टू बी इवन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर इवन नंबर बना रहे हो तो 2, 4 और 6 ये तीनों नंबर हमारे यूनिट प्लेस पे आने चाहिए तभी हमारा इवन नंबर बनेगा। ठीक है, मान लिया कि आपके पास थ्री डिजिट का नंबर बना रहे हो, तीन डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे आप फिल कर सकते हो 2, 4 और 6 में से, क्योंकि अगर इन इसके अदर देन करेंगे तो वो हमारा इवन नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो नंबर अगर हमारा इवन होना चाहिए द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2, 4, 6 इन थ्री वेज। जो यूनिट प्लेस है उसको आप इन नंबर से ही फिल कर सकते हो तो हमारे पास यहाँ पे तीन नंबर फिल कर सकते हो, तो फर्स्ट के लिए रह गया थ्री वेज आपके पास। ठीक है, तो आप इसको तीन तरीके से फिल कर सकते हो, 4, 2, 4 और 6 से। ठीक है, अब बाकी बचे दो प्लेस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक नंबर अगर यहाँ पे फिल हो जाता है तो टोटल 7 में से कितने बचे, 6 नंबर यहाँ पे बच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 नंबर्स को 2 प्लेसेस पे फिल करना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6P2 6 नंबर्स को 2 प्लेसेस पे फिक्स करोगे, फिल करोगे तो 6P2 आ जाएगा। ठीक है, देन टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 6P2 वेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने अरेंजमेंट हो जाएंगी, टोटल 3 × मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनकी। ठीक है, 3 × 6P2 3 × 6 ÷ 6 में से 2 माइनस करते हैं 4 ÷ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 6 को 4 ÷ तक ओपन कर लेते हैं, 4 ÷ डिवाइड बाय 4 ÷ डिवाइड दिस इज 30 एंड 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। चार डिजिट का नंबर बनाना है आपके पास और 5 डिजिट गिवन है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट गिवन है, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास होगी 5। चार डिजिट का नंबर बनाना है यानी कि चार आपको एक बार में उठाने हैं तो यहाँ से 4 डिजिट नंबर अगर आप बना रहे हो दैट इज़ r की वैल्यू होगी आपके पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आपके पास 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन दिस इज इक्वल टू 5P4। तो ये आपके पास 5 ÷ डिवाइड में 1 ÷ और 1 ÷ 1 होता है तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 इनके मल्टीप्लाई कीजिए देन इज द आंसर। यानी इतने डिजिट आप बना सकते हो, चार चार जो डिजिट्स के नंबर बना सकते हो। फिर कहते हैं हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, कि कितने नंबर ऐसे हैं जो इसमें से इवन होंगे, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको बनाने हैं चार डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स।
ठीक है। तो इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, इनमें से इवन नंबर होने चाहिए, तो टू एंड फोर यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, केवल टू एंड फोर, यानी कि इसके पास हो गए टू वेज, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब टोटल नंबर पाँच थे हमारे पास, पाँच में से एक हमने यहाँ फिल कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों फिल कर देंगे, दो और चार नहीं, एक बार में एक ही फिल करना है, मतलब इसके दो तरीके हो जाएंगे, यानी दो में से कोई भी आके एक उठा सकते हो, तो टू वेज हो गए। अब पांच में से एक हमने यहाँ फिल कर दिया, बचे फोर, रिमेनिंग लेटर फोर, और फोर में से आपको कितने प्लेस फिल करने हैं, थ्री प्लेस फिल करने हैं, तो इन तीनों के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो फोर पी थ्री, एंड टोटल अगर हम निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू फोर पी थ्री, ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ इवन नंबर्स। ये इवन नंबर की परम्यूटेशन आ जाएगी कि कितने इवन नंबर बनेंगे आपके पास, टू इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, टू इंटू वन फैक्टोरियल वन होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सॉल्व कर लेंगे इतने नंबर आ जाएंगे जो आपके पास इवन नंबर बनेंगे। गिवन अ फॉर्म फ्रॉम ए कमेटी ऑफ एट पर्सन, इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। एट पर्सन्स की कमेटी है, इसमें से आपको दो पर्सन चूज करने हैं, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो आप, और एक पर्सन जो है वो एक ही पोस्ट होल्ड कर सकता है, यानी एक ही पोस्ट पे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन चेयरमैन भी बन जाए और वाइस चेयरमैन भी, ऐसा नहीं होगा। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब वही हो गया, तो टोटल आपके पास एट दे रखे हैं, आपके टू जो है दो पर्सन चूज करने हैं, ठीक है, टोटल एट में से। तो अगर चेयरमैन को आप चूज़ करते हो तो चेयरमैन के पास कितने वेज, एट वेज, ओके, चेयरमैन हो गया आपके पास सिलेक्ट। अगर हम वाइस चेयरमैन चूज़ करते हैं तो एक पर्सन तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, रिमेनिंग सेवन पर्सन जो है यहाँ पे वाइस चेयरमैन के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 56 हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको करना कैसे है, देर आर कमेटी जो उसके पास एट पर्सन है, कमेटी कंसिस्ट एट पर्सन एंड ईच पर्सन हैव टू बी सिलेक्टेड इक्वली, ठीक है। अगर इक्वली चांस मिलते हैं तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि अगर हम चेयरपर्सन के लिए देखते हैं, द टोटल द नंबर ऑफ फेज फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन चेयरमैन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एट पर्सन आउट ऑफ एट पर्सन लिख सकते हो, आउट ऑफ एट पर्सन इज एट वेज। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास एट वेज है, और द टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर सिलेक्शन वॉइस चेयरमैन के लिए, अगर हम वॉइस चेयरमैन लेते हैं, वॉइस चेयरमैन आउट ऑफ यहाँ पे सेवन, रिमेनिंग सेवन पर्सन, क्योंकि एक पर्सन हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो रिमेनिंग सेवन पर्सन में से आपके पास कितने बन जाएंगे, इज सेवन वेज। देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं, अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे, 8 इंटू सेवन दिस इज इक्वल टू 56। क्वेश्चन 6, फाइंड एन इफ एन माइनस वन पी थ्री रेशो एन पी फोर इक्वल टू 1:9। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपके पास रिलेशन गिवन है, तो रेशो को हम कैसे लिखते हैं, एन माइनस वन पी थ्री डिवाइड एन पी फोर इक्वल टू 1/9, रेशो को हम डिवीजन में शो करते हैं, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n माइनस वन, एन पी आर क्या फॉर्मूला होता है,
एन पी आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपके पास बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करना है, पे एन माइनस वन में से थ्री माइनस करना है, ठीक है, अपॉन एन पी फोर को ओपन करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस फोर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू वन बाय नाइन। इसको सॉल्व करेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा, एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास एन माइनस फोर बन जाएगा, यहाँ से एन माइनस फोर, एन माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एन माइनस फोर डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल और इक्वल टू चल रहा है वन बाई नाइन के, एन माइनस फोर से माइनस फोर कैंसिल। अब इसको ओपन कर सकते हो, बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करते हैं छोटे स्टेटमेंट तक, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड, एन को हमने लिख दिया एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन फैक्टोरियल ओपन करते हो तो कैसे करते हो, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू सो ऑन वन तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, और एन हमारे पास यहाँ से बच जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू चल रहा है वन बाय नाइन के, एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, इम्प्लाइज दैट वन बाय एन इक्वल टू वन बाय नाइन, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड आर, फर्स्ट आपके पास दे रखा है, फर्स्ट पार्ट 5PR is equal to 26PR, अच्छा 26 नहीं है, 2 into, ये है आपके पास 2 into 10, ठीक है, ये गिवन है, इसको सॉल्व करिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस आर, कंप्लीट को माइनस करना है आर माइनस वन, ऐसे लिख लीजिए, हमने एन पी आर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिक्स फैक्टोरियल आर में से हमने आर माइनस वन माइनस कर दिया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस आर, माइनस को ओपन करेंगे प्लस वन हो जाएगा दिस, एंड दिस इज टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई सिक्स एंड सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये नंबर हमारा इसके इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 2 टाइम 6 फैक्टोरियल 7 माइनस आर फैक्टोरियल लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा बड़ा नंबर है, इसको छोटा लेके जा सकते, इसके इक्वल बना सकते हैं, कैसे, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसमें से पहले 7 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, सेम स्टेटमेंट आती है, फिर हम इसमें से एक माइनस करते हैं, एक माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पे 6 माइनस आर, ठीक है, फिर एक और माइनस करते हैं देन 5 माइनस आर, और आगे की टर्म ओपन नहीं करते, यहीं फैक्टोरियल लगा देते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हमारी इसके इक्वल हो जाती है। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ से 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ओके, तो इस स्टेटमेंट को हमने इसमें चेंज कर दिया, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, दिस इज इक्वल टू हो गया, दिस स्टेटमेंट इक्वल टू ऑफ दिस, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे इक्वल टू 1, दिस इज 12 डिवाइड बाय 7 माइनस आर इनटू 6 माइनस आर, अब आपको यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 1, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई ओपन करिए इसके, सेवन माइनस आर सिक्स माइनस आर इज इक्वल टू 12 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई ओपन करते हैं 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, आर स्क्वायर 7 एंड 3 एंड 12 को इधर ले आओ, माइनस इसके प्लस का हो जाएगा आपके पास, 42 में से 12 माइनस कर दीजिए, दिस इज 30 इक्वल टू 0,
ठीक है। देन आपको मल्टीप्लाई 30 आनी चाहिए, एडिशन माइनस 13 आनी चाहिए, तो हमने लिखते हैं माइनस 10 और माइनस 3। तो यहाँ पे हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 इक्वल टू 0। आर माइनस 10, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, आर माइनस 10 इक्वल टू 0। आर माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इक्वल टू 0। देन आर इक्वल टू 10 एंड 3, 10 और 3 वैल्यू आ गई आर की। अब देखिए क्या आर की वैल्यू 10 और 3 हो सकती है। यहाँ पे आपको जो एन पी आर निकालते हो, इसको रफ कर देते हैं, जब हम एन पी आर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि आर की वैल्यू हमेशा एन के इक्वल या फिर एन से लेस होने चाहिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, आर की वैल्यू 10 और 3 आई है, क्या आप यहाँ पे आर की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा 5P10, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ये वैल्यू होती है वो या तो 5 से इक्वल हो या इससे छोटी हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू हम 10 को रिजेक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से माइनस करोगे 6 माइनस आर प्लस 1, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा। दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड 7 माइनस आर, और 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 6 माइनस आर 5 माइनस आर तक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सेम टू सेम वही चलना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, और आर की वैल्यू सॉल्व करनी है, और आर की वैल्यू 5 और 6 से लेस या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज के आपके पास 7 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।